नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के केस में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई की पूछताछ में सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि मुंबई पुलिस ने ही उनसे कहा था कि जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम कर दीजिए। शनिवार को सीबीआई की एक टीम कूपर अस्पताल पहुंची थी, जहां सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में डॉक्टरों ने जो बताया उसके बाद केस में कुछ गड़बड़ होने का शक और गहरा गया है, क्योंकि सवाल यह है कि इनसे हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस को जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कराने की जरूरत क्यों पड़ी थी, किसके इशारों पर पुलिस ने डॉक्टरों पर यह दबाव बनाया। दरअसल मुंबई पहुंचने के बाद सीबीआई ने मोर्चा संभाल लिया है और पहले ही दिन से सीबीआई एक्टिव हो गई है और हर उस पहलू को खंगाल रही है जो इस केस को क्रैक करने में मददगार हो सकता है। सीबीआई की टीम ने दूसरे दिन शनिवार को भी बड़ी मुस्तैदी के साथ जांच की। सीबीआई को शुक्रवार दोपहर के बाद सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी, जिसमें सीबीआई को कई खामियां मिली। इसी के बाद सीबीआई की एक टीम शनिवार को कूपर अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टरों को तलब किया गया और उनसे पूछताछ की गई। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जब सीबीआई की टीम ने डॉक्टरों से पूछा कि सुशांत की ऑटोप्सी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, तो इन 5 में से एक डॉक्टर ने कहा कि उनसे मुंबई पुलिस ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि 14 जून की सुबह सुशांत की लाश उनके बेडरूम में पंखे से लटकी हुई मिली थी। इसके बाद इसी दिन रात को सुशांत का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। इसके बाद सीबीआई के 2 अफसर मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में पहुंचे थे, क्योंकि सीबीआई की शुरुआती जांच में ही मुंबई पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े उग रहे हैं। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से पूछा था कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने कहा कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिटेल में आने का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने सीबीआई से कहा है कि सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर्स के स्टेटमेंट लेने के बाद हमें इस केस में कुछ भी झोल नजर नहीं आया। हालांकि सीबीआई ने एम्स के 5 डॉक्टरों की एक टीम का गठन कर दिया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल में स्टडी करके इसका सच उजागर करेगी। इसके लिए सीबीआई ने इस टीम को कुछ सवाल भेजे हैं। बता दें कि सीबीआई मुंबई पुलिस से बातचीत के साथ साथ सुशांत सिंह से जुड़े लोगों से भी पूछताछ में लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तेजी से सीबीआई लगी है, इस मामले का खुलासा जल्द ही होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।